वकील की शिकायत के बाद सागर में अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। कॉलोनाइजर ने पार्क की जमीन पर तान लिया था टीन शेड, जेसीबी ने हटाया। सागर में गुरुवार को नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने गीतांजलि ग्रीन सिटी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कॉलोनी में पार्क की जमीन पर बनाए गए टीन शेड को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। जानकारी के अनुसार कॉलोनाइजर ने कॉलोनी में पार्क के लिए छोड़ी गई जमीन पर टीन शेड बना लिया था। कुछ हिस्से में पक्का निर्माण भी किया गया था। मामले की शिकायत पर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद गुरुवार को अतिक्रमण विरोधी दस्ता कॉलोनी में पहुंचा और कार्रवाई की। जेसीबी से टीन शेड और पक्का निर्माण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद खाली हुई जमीन पर पार्क का निर्माण कराया जाएगा। निगम के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी शिव रैकमान ने बताया कि कॉलोनाइजर ने पार्क की जमीन पर अतिक्रमण किया था। नोटिस देने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। शिव रैकमान जी, आज ही ये जो गीतांजलि ग्रीन सिटी में बागराज कॉलोनी में यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा की गई है, क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई की गई? इसमें पार्क की जगह थी जो पार्क के लिए छोड़ी गई थी, वहाँ पर टीन शेड लगाकर निर्माण कार्य कर लिया था इनने, कुछ पक्का भी कर लिया था। तो बिल्डिंग सेक्शन से इन पर कार्रवाई हुई, नोटिस भी जारी हुए, वो आदेश हुए, तो उसके तहत इनको हटाने की कार्रवाई की गई। लगभग कितने क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था इनका? बड़ा था क्षेत्रफल, पूरे पार्क का जितनी अधिकांश होती है लंबाई चौड़ी उतनी थी उनकी। और किसी मंदिर की भी बात शायद बीच में निकल कर आई थी? नहीं, उसमें मंदिर नहीं है। जो टीन शेड अपन ने हटाया, सब कुछ हटाया। किसने किया था ये कब्जा? ये था कॉलोनी गीतांजलि बिल्डर्स द्वारा। ठीक है, जिनकी कॉलोनी उन्होंने अवैध रूप से यहाँ पे वो कर। ठीक है।